लखीमपुरी तक के सारे भारत जिन्हें केस हुए आ वो एक अंदोलन के केस से वो जब तक केस वापस दिए जाते जो साढ़े शहीद हुए आ जब तक उन्होंने शहीद नहीं मनिया जाता उन्होंने मुआवजा दिता या नौकरी नहीं दी जाती तो इस अंदोलन जो सम अप कहने वो सम अप नहीं मनिया जाता। हाले कई पासे यहोजे स्टेट्स ने जिते सिर्फ एक टाइम की रोटी होंगी दूजे टाइम की रोटी नहीं बनती। जे ये पार्लीमेंट के पास होए आ तो मैं ये समझदा भी ये पार्लीमेंट जब तक रिपीट नहीं होंगे जब तक सानू ये पक्की यही नहीं समझ। स्वागत पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का, मैं गुरनाम सिंह बिलगा। इस वक्त सिंघू बार्डर के उत्ते खुशी का माहौल है जिहड़ा कि खुशी का माहौल देखने लई एक साल का किसानों इंतजार करना पिया। 26 नवंबर 2021 एक साल का समा अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जिस तरह किसानी अंदोलन लैके 3 बिलों लैके ऐलान कर दिता गया किसानों के चेहरे पर इस वेले खुशी का माहौल है। तो साढ़े ना हरमीत कादिया भारतीय किसान यूनियन कादिया के प्रधान मौजूद है, उन्होंने करते हैं कादिया साहब एक साल का समा जित प्राप्त कह सकते हैं काफ़ी हद तक तुम कर ली है, किदा देखते हो? देखो सानू जो भी कोई आप जित जाने जे नंबर वाद आ जाते हैं तो सारी मेहनत किए भुल जाता औखे दिन भी भुल जाता जो आप जित प्राप्त कर लें। अज जो जित का सिरा आया लोगों के हिस्से आया तो अज वो सारी थकावट खत्म हो गई जी। भाजपा का यह कहना आ कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाया बिल वापस ले लै हुण किसान जथेबंदियां अपनी राजनीति चमकाउण लई जान के इत्थे डेरे ला के बैठे। देखो इस गल नूं समझण दी बहुत लोड़ आ बरीकी नाल। जे आपां इह जित दा सिरा कीता भी इह अंदोलन ने कीता जिन्हें सानूं फोन आए भी आपां जित गए उहदे नाल नाल इह भी आए भी तुहाडे आगूआं दी इह ड्यूटी बणदी आ भी इहनूं जित नूं पक्के तौर ते मण के जाइए भी किते कच्च ना रहि जाए। जे ये पार्लीमेंट के पास होए आ तो मैं ये समझदा भी ये पार्लीमेंट जब तक रिपीट नहीं होंगे जब तक सानू ये पक्की यही नहीं समझ। मान लो पार्लीमेंट के कानून जोड़े रद्द हो जाते हैं राष्ट्रपति जी मोहर लग जाती है ये 3 कानून वाला मुद्दा खत्म हो जाता एम एस पी ते जिहड़े दिल्ली केस दर्ज ने स्टेटा च केस दर्ज ने लखीमपुर खीरी कांड आना बाकी मंगा लैके जो कोई कमेटी नहीं बनती जो कोई फैसला नहीं होंगे फिर जथेबंदियां की फैसला लेना? खुली चिट्ठी लिखी हुई है 27 तरीक न कल SKM की मीटिंग आ उत्ते अगला विचार किए जाएंगे जिवें उन्होंने देश को संबोधन होकर किया असी खुली चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखती है असी अपनी अगलिया मंगा क्लीयर करती हैं जिहड़ा तुसीं बैठे का रीजन कहते हैं वो मंगा ही ने जिहड़ियां होनियां एक अंदोलन समेटण लई एक फॉर्मल मंगा पूरियां होनियां जे साडे केस सी तां अंदोलन दे सी किसी निजी केस नहीं सी। लखीमपुरी तक के सारे भारत जिन्हें केस हुए आ वो एक अंदोलन के केस से वो जब तक केस वापस दिए जाते जो साढ़े शहीद हुए आ जब तक उन्होंने शहीद नहीं मनिया जाता उन्होंने मुआवजा दिता या नौकरी नहीं दी जाती तो इस अंदोलन जो सम अप कहने वो सम अप नहीं मनिया जाऊगा। नहीं फिर BJP के लीडर ये भी कह रहे हैं कि हम 2024 तक तुम इस अंदोलन को खिंचना चाहते हो ये लीडर से इल्जाम ला यह जी गल नहीं है खुली चिट्ठी लिखती है खुली चिट्ठी जो क्लीयर कर देंगे 29 तरीक तो बाद जथेबंदियां अपना फैसला ले सकती। पंजाब दे विच इलैक्शन हो रही है 2022 नूं लैके लोगों दी भी बड़ियां आसां ने कि जथेबंदियां ने एक साल अंदोलन जिस तरह ढंग नाल चलाया जित प्राप्त की आ पंजाब दे अगले भविख नूं जथेबंदियां विचों लोग आम देख रहे हैं कि पंजाब दीआं जथेबंदियां दे विच कोई लीडर है इदां दे जिहड़े पोलीटिकल तौर पर जां तां इलैक्शन लड़नगे जां हिस्सा लैणगे? देखो इस गल ते जे आपां ध्यान हाले अपने अंदोलन वाले पासे हाले नूं साफ माफ कर रहे हैं जदों भी तुसीं इहो क्वेश्चन पत्रकार करदे सी असीं कहिंदे सी अंदोलन वल ध्यान आ जब तक यह समाप्त नहीं हुंदा जब तक साडे वीर घरां नूं पहुँच नहीं आते साल साल हो गए लोगों नूं इत्थे बैठिआं नूं ट्रैक्टर खड़े नूं ट्रालियां खड़ियां नूं अज साल पूरा हो गया तो जब तक उन्होंने घरों में खुशी खुशी भेजते नहीं जितते झंडे जाके पिंड तक पहुँचते नहीं जब तक कोई भी गल करनी मैं वाजब नहीं समझता क्योंकि जब तक अंदोलन को संभालना निजटना बहुत जरूरी है जिहड़ियां गल्लां रह गईआं सरकार नाल पूर्ण करके पूर्ण जित करके लैके जानी है कोई कसर नहीं छड़नी। हरमीत सिंह कादियां का नाम पोलीटिकल सफा के चल रहा कि हरमीत सिंह कादियां 2022 इलैक्शन लड़नगे वो अपनी गल्लां आप चलाउंदे रहिंदे आ उन्हां दी लोड़ां ने पोलीटिकल बंदियां दी बहुत लोड़ां हुंदियां हरेक खिच्चण दी कोशिश करूगा पर यह जिहड़ा मोर्चा ये एक ना जितया इस करके मैं गुजारिश भी करदा बाबा जी मूहरे अरदास भी करदा 32 जथेबंदियां इकट्ठियां रहन जिधर भी जाणगे इकट्ठियां होणगे। जांदे जांदे लास्ट सवाल की एक साल का समा जिहदे विच 700 दे नेड़े तेड़े तुहाडे साथी तुहाडा साथ छड्ड गए शहीद हो गए नरेंद्र मोदी ने जिहड़ा ऐलान किया आ ये किसी खास वजह करके किया आ वोटां नूं देख के किया आ कि जां वाकया ही उहनूं इह गल दी समझ आ गई कि कानून वाकया मेरे तो गलत बन गया? देखो कानून तो गलत सी ये तो कोई शक ही नहीं यहाँ पहले दिन दसता सी भी ये गैर कानूनी ने कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग ने स्टेट अफेयर आ फैडरल ढांचे के उत्ते अटैक आ दो कानून एसेंशियल गुड्स के बना सकते सी पर उहदे नाल सारा स्ट्रक्चर इकनोमिकल स्ट्रक्चर बन हुंदा सी अज भी जे अन्न पैदा हुंदा तो इन्हां नूं वंड प्रणाली है नहीं हाले कई पासे यहोजे स्टेट्स ने
जिथे सिर्फ एक टाइम की रोटी होंगी दूजे टाइम की रोटी नहीं बनती। यह जब तक जो अन्न भंडार जब तक पूरा बराबर वंडिया नहीं जाता तो वो एसेंशियल गुड्स ओपन किया नहीं जा सकता 1955 में। यह उन्होंने इन्नी लेट समझ आया, उन्होंने पोलिटिकली देखिया जो इंटरनेशनल प्रैशर पिया उन्होंने दस सकते हैं। जाते जाते ये दस दौ कि किन्ने एक दिनों आस आ कि लोग खुशी खुशी ढोल नगाड़े बजाते जित की खुशी महसूस करते अपने घर खुशी असं मना चुके हैं। सिर्फ अभी कहते हैं ऐलान होना, बाकी ऐलान भी हो जूगा, फिक्र ना करो। ठीक है, ये सन हरमीत सिंह कादियां, उन्होंने दसिया कि आने वाले दिनों के जिस तरह किसानों के जित का माहौल देखा जा रहा, खुशी का माहौल देखा जा रहा, वो दिन हुण दूर नहीं है। थोड़े दिनों के मुद्दा हल करके किसान खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। तुसी जुड़े रहो पंजाबी नैशनल टीवी के, उम्मीद थोड़ी कोशिश साड़ी जारी रहेगी।